क्लास चल तो मेरी क्लास चल रही थी तो मैं साथ साथ क्लास लगा रही थी और साथ साथ डिप्स लगा रही थी टॉयलेट में डिप्स लगा रही थी और यस मैम यस बोल रही थी। सो व्हाट इज अप गाइस, बहुत दिन से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं आप जिम का वर्कआउट नहीं डाल रहे हो आजकल, तो अभी हम जिम जाके आपको बढ़िया वर्कआउट करके दिखाएंगे। मैं भी वापस फॉर्म में आ रहा हूँ एंड मैं तो बढ़िया फॉर्म लेके आता हूँ जब भी लेके आता हूँ। इसकी तरह नहीं है, चार दिन करके पांच दिन उसके बाद सो जाओ। झूठ मत बताया कर सब लोगों को, मेरी मतलब बुराई मत किया कर, ठीक है? ठीक है, कल तू चीट मिल करके आए जो रबड़ी खा के आए, देखो मुझे मेरा गुटखा फेंकने दे। देखो भाई साहब, देखो मैंने दो गिलास रबड़ी पी ली है तब से इसको आग लगी पड़ी है कि तूने रबड़ी क्यों पी और मेरे को कुछ नहीं खिलाया। देखो मेरी बॉडी अलग है ब्रो, मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है, मैं एक नेक्स्ट लेवल एथलीट बन चुका हूँ। मेरा भी ठीक है, मेरा भी बहुत सही है, वरना जिस हिसाब से मैं दो महीने से चीट मिल कर रही हूँ अभी तक। दो महीने चीट मिल, देखो मान लिया इसने, मैं यही बोल रहा था, बस यही मनवाना चाहता था, वो ये मान चुकी है। बट सो बट मैं फैट गेन किया है थोड़ा, वो मैं अब रिड्यूस कर रही हूँ। सो मैंने जो मनवाना था उधर से मनवा लिया, ठीक है? जब कैमरा ऑफ होता है तो तू अपना असली रूप क्यों दिखाती? हिम्मत है तो कैमरे पे दिखाना। ये मेरा असली रूप, ये मेरा ऑन कैमरा, ये मेरा ऑफ कैमरा। सो दोस्तों गुस्सा इस बात का नहीं है कि व्लॉग नहीं बनवा रहे, गुस्सा इस बात का कि इसके कॉलेज की 60,000 फीस भी भरो एक महीने की, आई मीन 6 महीने की, ऊपर से सारा दिन इसकी ऑनलाइन क्लास, जिम में भी इसकी क्लास, जिम में भी इसकी क्लास चलती रहती है, सारा दिन इसकी क्लास चलती रहती है, तो बंदा इरिटेट हो जाता है। इससे बढ़िया तो भाई घर बैठ जा, तू रहने दे मत पढ़। यही वेल्ले जो हो जाते हैं ना सब कुछ कर कुर के, वो यही कहते हैं मेरे को अपनी लाइफ में कुछ और भी करना है, मेरा शौक है तो मैं पढ़ नहीं सकती यार। वर्कआउट कर रही है, लोग म्यूजिक सुनते हैं, ये एयरपोर्ट लगा के, यस मैम, यस सर, यस प्रेजेंट मैम, टीचर्स भी देखते हैं व्लॉग, पता लग गया ना, जिम में जाके क्लास लगाती है, जिम में लगी होती है सब वर्कआउट। एक भाई कल मैं जिम में गया, ठीक है, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ कल मैं जिम में गया तो ये कहती गाड़ी में बैठी हुई नीचे जिम के बाहर खड़े हैं, तू जिम में जा, मैं 15 मिनट में आती हूँ, वहाँ पे रेडियो जॉकी बनी हुई है। अभी भी क्लास चल रही है, देखो अभी भी यार मैं जिंदगी झंडा है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि कल वाली जो वीडियो आपने इतना ज्यादा मतलब प्यार दिखा दिया, मतलब कट्ठे ठा ठा व्यूज मारे आपने, मतलब एक दिन में 60,000 व्यूज, मैं कहना नजारे आगे मेरे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सत श्री अकाल, लाइक वाला बटन कसा दियो, आप जिम चल दो ना जो फिर। तूने पीना प्री वर्कआउट हाँ कितना? आप तेरे को मैं थोड़ा ही दूंगा, ठीक है, हाफ स्कूप दूंगा। वैसे ही सेम पहले वाला वाटरमेलन फ्लेवर है, वाटरमेलन फ्लेवर है, वो पहले वाला फ्रूट पंच था। सो वैसे तो प्री वर्कआउट आपको वर्कआउट से 30 मिनट कम से कम पहले लेना चाहिए, बट हमारे पास आज ऑप्शन नहीं था कुछ भी, तो अभी हमने परचेज किया, अभी हमने ले लिया, अभी हम 10-15 मिनट बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। बट जैसे अगर आप रात को वर्कआउट करते हो ना, तो आप क्या करोगे कि आप रात को प्री वर्कआउट लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है तो आप पूरी रात जागते रहोगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप दोपहर, फॉर एग्जांपल आपका वर्कआउट इवनिंग में 7 बजे, तो आप क्या करो कि दोपहर को अपना 3-3:30 बजे प्री वर्कआउट ले लो, क्योंकि उसका असर कम से कम भी 6 घंटे तक उसका रहता है, जो कैफीन होता है, जो उसमें बीटा एलानिन सब चीजें होती है ना, उनका असर 6 घंटे तक रहता है। तो आप अगर दिन में लोगे तो आपको एनर्जी तब भी फील होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपने रात में वर्कआउट करना तो आप रात को लोगे। मैं आप रात को वर्कआउट करते हो, मैं तो बोलूंगा कि आप मत ही लो, सही है, अगर आप लेना चाहते हो तो दोपहर में ले लो रात की जगह। ऑल्सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप वर्कआउट करते हो जिम में तो यू हैव टू टेक द प्री वर्कआउट, आप अवॉइड भी कर सकते हो, उसके जगह कॉफी वगैरह भी ले सकते हो, कभी कॉफी ले लो, कभी प्री वर्कआउट ले लो, कभी मत लो, हर चीज करनी चाहिए आपको, ट्राई, आपकी स्ट्रेंथ देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो, दैट्स इट। क्योंकि मुझे ज्यादातर, मैं ज्यादातर नहीं लेती हूं इसको, मैं महीने में एक या दो बार लेने देता हूं, इससे ज्यादा मैं लेने देता हूं, आज लिया मैंने, कल लिया था बस। हां सो चलें फिर वर्कआउट करने, चलो। एक अच्छी बॉडी चाहिए तो अपनी ईगो घर पे रख के आए, क्योंकि जिम में अगर इंजरी होगी सालों साल ठीक नहीं होगी। एंड प्लीज अपनी ईगो साइड में, वेट्स आगे। डन विद द वर्कआउट और सुविधा ने आज टॉयलेट में डिप्स लगाए हैं, कुछ शर्म आती है थोड़ी सी। क्या हुआ, क्या था? मतलब बाहर बैठने की जो जगह होती है वहाँ पे एक्चुअली अटेंडेंस ले रहे थे, और फिर मेरे को मतलब वहीं पे रुकना, मतलब हल्ला था ना बाहर जिम में, मतलब ये कॉलेज में ओ, क्या कहते हैं, क्लास चल रही थी, तो मेरी क्लास चल रही थी तो मैं साथ साथ क्लास लगा रही थी और साथ साथ डिप्स लगा रही थी, टॉयलेट में डिप्स लगा रही थी, और यस मैम यस सर बोल रही थी।
सो वर्कआउट करने के बाद अभी हम वे प्रोटीन लेंगे और साथ में खाएंगे चिकन और आलू। तो भी खाएगी आलू? आलू, ये क्या हुआ मेरे? कुछ नहीं हुआ, मैंने त्रिछाप लगाए थे। सो आज इसने त्रिछाप ट्रेन किया है एंड अभी आलू खाएगी क्योंकि खुद भी आलू जैसी, तो खुद भी आलू जैसी है तो आलू ही खाएगी। आज को मेरे को व्लॉग में आने नहीं दे रहा है। आई डोंट लुक लाइक एन आलू, ओके? आई एम अ ब्यूटीफुल आलू। गाइस, दिस इज व्हाट वी यूजुअली हैव आफ्टर आवर वर्कआउट। वेजीज हम नहीं लेंगे, वी विल टेक पोटैटो, मैश पोटैटो एंड ग्रिल्ड चिकन बेस्ट। और अभी वे प्रोटीन में हमने आइस क्यूब्स डलवाने को बोला है, वे प्रोटीन लेंगे और ये हमारी मील है पोस्ट वर्कआउट मील। तो आप भी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील इससे सिमिलर रख सकते हैं, बट यू हैव टू काउंट योर मैक्रोज, यू हैव टू नो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। सो यस, ये लड़की मेरे को उठा के मॉल में ले आई है और अभी हम जा रहे हैं एडिडास में। मैंने एक लोअर देखा था एडिडास में, मेरे पास मैसेज आया तो मेरे को वो लेना है। सो एडिडास हमारे बिल्कुल करीब है तो एडिडास जा रहे हैं। इसके साथ यू कैन वेयर वाइट, वाइट और ब्लैक, वाइट। सो लोअर ले लिया मैंने, लोअर लेने आया था स्पेशल, दो मिनट लगाए, बस दो मिनट में लोअर ले लिया। सो अभी हम देखते हैं कहाँ पे जाना, शायद पुमा में जाना है। मिनट में अलांटे आए और 5 मिनट में अलांटे से निकल गए। जल्दी जल्दी बस हमने 5 मिनट, क्योंकि हमें जाके कुछ काम है तो हाँ। इसलिए हमने सिर्फ 10-5 मिनट ही लगाए हैं मैक्सिमम। हाँ, और हमें पता था कि हमें क्या लेना, तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया। फाइनली घर पहुंच गए और उसके बाद अभी ध्रुव मेरे कपड़े निकाल रहा है जो हमने धोने दिए थे, एज यू कैन सी। सो बहुत सारे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, इसलिए मतलब अगर वॉशिंग मशीन में भी एक एक बार करके धोती तो कंप्लीट नहीं होते, इसलिए सीधा हमने लॉन्ड्री वाले को दे दिया और उन्होंने धो के दे दिए। मस्त, इतने ही कपड़े हैं बस, बस इतने ही कपड़े हैं बस। मेरे तो गाड़ी में, मेरे इतने ही कपड़े हैं। हाँ? नहीं यार, ये रहा, ये पूरा मेरा है। तो हम अब कपड़े बेचने जा रहे हैं, तो हम अभी अपनी रेडी लगाएंगे और आप आना मत भूलना, और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। लाइक वाला बटन मैं कहना फिर एक कसा दियो। ओके बाय, टेक केयर।